Welcome to the Sunday Suspense of Maruti Suzuki Alto, star या rock star. Suspense की इस शाम बहुत से suspense खुलेंगे. पहला suspense ये कि क्या पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी मानसी performer of the week बनेगी या कोई और. दूसरा suspense ये कि आज top two position पर कौन कौन होगा. तीसरा suspense ये है कि आज इन सातों में से कौन से दो stars safe होंगे. चौथा सस्पेंस ये है कि आज हमारे स्टार्स अपने परफॉर्मेंसेस के जरिए जजेस पर अपना जादू चला पाएंगे या नहीं. और सबसे बड़ा सस्पेंस ये खुलेगा कि आज किसके लिए रॉकस्टार बनने का अरमान अधूरा रह जाएगा. हम एक के बाद एक सारे सस्पेंस खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए म्यूजिक के इक्के सुरताज अनु मलिक और सिंगिंग सेंसेशन अलीशा चुनाय का. मानसी और सचिन ने कल हाईएस्ट स्कोर्स हासिल किए और छवि और कपिल ने लोएस्ट. पर आज का फैसला होगा जनता के वोट्स और जजेस के स्कोर्स को मिलाकर. तो मानसी और सचिन, क्या आपको लगता है कि जनता ने भी आपको परफेक्ट वोट्स दिए होंगे? सच कहूँ मोना, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास. बिकॉज ऑब्वियसली यू वांट कि यू नो ऑडियंसेस आपके लिए वोट करें, और ये होप रहता है कि आप बॉटम थ्री में ना हो. लेकिन अगर बॉटम थ्री में होंगी तो भी परफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए बस. सचिन जी, आज आप अपनी पोजिशन के लिए कॉन्फिडेंट हैं? मैं दरअसल ना ही अपनी पोजीशन को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ, ना ही नंबर ऑफ वोट्स को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ. मैं सिर्फ अपने गाने को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ. कपिल और छवि, कल आपको सबसे कम स्कोर्स मिले, क्या आपको लगता है कि आप में से किसी एक को ये मन छोड़कर जाना पड़ेगा? कपिल, मुझे ये लगता है क्योंकि जनता को भी पता है कि मुझे कल कम मार्क्स क्यों मिले. मैं गाना भूल गया था, एक्चुअली लिरिक्स भूल गया था. कपिल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो अगर जनता इस चीज को ध्यान में रख के मुझे वोट करेगी कि ये गाना भूला है लेकिन बेसुरा नहीं है, तो मुझे लगता है कि जनता मुझे जरूर वोट करेगी. छवि, मोना मुझे नहीं पता कि मुझे आज यहाँ से जाना पड़ेगा या नहीं, या मैं बॉटम थ्री में एक बार फिर से आऊँगी या नहीं. लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोच रही हूँ, अपनी परफॉर्मेंस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ. अगर ऐसी नौबत फिर से आई कि मैं बॉटम थ्री में आई और मुझे गाना पड़ा, तो आई वांट गिव इट माय बेस्ट शॉट. मानसी, सचिन, कपिल और छवि, आप चारों मेरे साथ स्टेज पर ही रहिए और बाकी सब प्लीज टेक योर सीट. थैंक यू. आप चारों में से मैं किसी दो का नाम अनाउंस करूंगी और उन दोनों को आज एक बार फिर से परफॉर्म करना होगा. फर्क सिर्फ इतना है कि कोई एक परफॉर्म करेगा परफॉर्मर ऑफ द वीक बनने के लिए और दूसरा परफॉर्म करेगा क्योंकि वो होगा एलिमिनेशन की चौखट पर. मानसी, कंग्रेचुलेशंस, यू आर वन ऑफ आवर टॉप टू. आप तीनों में से अब मैं एक बॉटम थ्री परफॉर्मर का नाम अनाउंस करूंगी और वो नाम है, वेरी शॉकिंग, सचिन जी. आई एम सॉरी सचिन जी, लगता है जनता चाहती है कि आप परफॉर्म करें अपने आप को इस कंपटीशन में बचाने के लिए. अनु जी, आप काफी अपसेट लग रहे हैं. अपसेट इज अ स्मॉल वर्ड एक्चुअली.
मैं नाराज हूँ। सचिन जिनको हमने कल इतने दिल से लगाया एंड इतना अच्छा गाया उन्होंने, और जो पॉइंट्स मैंने दिए, मतलब इसका मतलब जनता ने ना मेरी पॉइंट्स देखी ना अलीशा की देखी, उन्होंने अपना ही मन लगा लिया। मुझे बहुत दुख हुआ है। आई एग्री कि पॉपुलैरिटी कमाल की चीज़ होती है, किसी की पॉपुलैरिटी होती है, लेकिन सुर भी तो कोई होता है ना, ताल लय सुर कुछ समझ तो होनी चाहिए। अलीशा, ताजुब तो हो ही रहा है, लेकिन सचिन जी इज सच अ फैंटास्टिक परफॉर्मर एंड सीजन परफॉर्मर, तो मुझे लग रहा है कि ही इज नॉट गोइंग टू गिव अप सो इजीली, ही इज गोइंग टू गिव एवरीवन अ बिग फाइट, ही इज अ फाइटर। छवि और कपिल, आप दोनों का फैसला हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, फिलहाल प्लीज टेक योर सीट्स। सचिन जी आप भी, यू ऑल्सो प्लीज टेक योर सीट, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस मानसी, आपको जनता के वोट्स और जजेस के स्कोर्स ने मिलाकर फिर बना दिया है इस वीक के टॉप टू परफॉर्मर्स में से एक। लेकिन आपके लिए चैलेंज खत्म नहीं होता, क्योंकि अब आपको मुकाबला करना होगा परफॉर्मर ऑफ द वीक बनने के लिए। मैं आपके कंपेटिटर का नाम बताऊंगी, लेकिन आपके परफॉर्मेंस के बाद। ऑल द बेस्ट, लेट्स हियर इट फॉर मानसी। थैंक यू।
मानसी क्या बात है यार, मतलब मैं तो ऑलरेडी स्टैंडिंग और मैं स्टैंडिंग ओवेशन देती हूँ आपको. सुपर, थैंक यू, यू वर सो गुड. अलीशा कैसा लगा आपको ये गाना? देवी जी देवी बहुत बहुत सुरीला था, ब्यूटिफुली सॉन्ग, गजल भी है, तो आपने नए अंदाज से गाया. इट वॉज वेरी नाइस, यू वेरी वर्सटाइल ऑफ कोर्स. आई जस्ट फेल्ट थोड़ी और मस्ती आ जाती ना. आई जस्ट वॉन्टेड दैट लिटिल क्रैकल. यू कैन डू इट. अनुजी आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? मैं बताना चाहता हूँ कि एक जगह तुमने कमाल किया. तुम्हें गाते गाते महसूस हुआ कि तुमने एक उठ वर्ड आता है ना उसमें अंतरे में, तो थोड़ा कम सुर लगा था उसमें. तो तुम इतनी शातिर खिलाड़ी हो, तुमने सेकंड टाइम जो गाया उसको परफेक्टली गाया. ये तुम कमाल चीज पैदा हो गई हो यार. भैया प्रणाम म्यूजिशियंस एंड आपके वो बैकिंग वोकल्स. भैया प्रणाम प्रणाम दिल से मैं कहना चाहता हूँ. टू मी इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस. एंड मानसी तुम्हें रॉकस्टार बनाने से कोई रोक तो नहीं सकता मेरे हिसाब से, अगर तुम इस तरह गाती रहोगे. फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच अनुजी. थैंक यू, थैंक यू. और अब है वक्त स्कोर्स का जजेस, तो अपने सीक्रेट स्कोर्स रास के पिटारे में बंद कर दीजिए प्लीज. मानसी, स्कोर्स के दम पर आप जीतोगे या नहीं ये पता चलेगा दूसरे टॉप टू परफॉर्मेंस के बाद. अनुजी एक नाम, अलीशा एक नाम, आपके हिसाब से जिसे आज टॉप टू पोजीशन पर होना चाहिए. मुझे एक लड़की की आवाज बहुत पसंद है, वो है रागिनी. एंड मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि शी इज बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग. और उस दिन जब उसको बैड कमेंट्स मिले थे, शी इम्प्रूव्ड हरसेल्फ. मुझे लगता है हर पर्सोना इज सो ब्यूटीफुल, शी सिंग्स वेल, अ फुल पैकेज ऑफ अ रॉकस्टार. अलीशा, कल की परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि सुमित ने कल बहुत अच्छा परफॉर्म किया. सो सुमित और रागिनी, हमारे जजेस के चॉइसेस, आप दोनों प्लीज स्टेज पर आ जाइए. मानसी, यू कैन टेक योर सीट प्लीज. थैंक यू. सुमित और रागिनी जी, आप दोनों में से कोई एक टॉप पोजीशन पर तो है, ये बात पक्का है. रागिनी, आपको क्या लगता है आपकी कल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आज आप टॉप टू पोजीशन पर हैं? मैं चाहती तो हूँ, आई बी ऑनेस्ट, आई वॉन्ट टू बी इन टॉप टू, वाई नॉट. सुमित, मैं भी एक बार टॉप टू में गाना चाहता हूँ. रागिनी जी, आप हमारे जजेस की फेवरेट हैं और हमारे जजेस ने आपको स्कोर्स हमेशा बहुत अच्छे दिए हैं, आपको परफॉर्मर ऑफ द वीक भी बनाया है जी. अब देखना यह है कि आपके कंटेस्टेंट्स भी जजेस से सहमत हैं या नहीं, क्या वो आपको टॉप परफॉर्मर मानते हैं या नहीं. लेट्स हैव अ लुक. पिछले एपिसोड में रागिनी श्योरली डिडंट डिजर्व 20. मेरे ख्याल से पहले मुंगड़ा वही उसका फ्लैट लगा था. उनका डांस बहुत अच्छा था और उनकी जो अदा है बहुत अच्छी है, तो अदाकारी और डांस के उनको आई एम श्योर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले होंगे. रागिनी को 20 और 20 मिले. दो मिनट में तो हम सब थोड़े ऐसे हुए थे कि ओके रियली. तुम्हारा पहला 20, मुबारक हो रागिनी. आंख शायद धोखा दे सकती है, कान आपको कभी धोखा नहीं दे सकते. मुझे पूछेंगे तो शी डिडंट डिजर्व 20. कहीं सबको बाद में लगा, छवि ने जो परफॉर्म किया था, आई थिंक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस. छाप तिलक सब छीनी रे मोसे मैना मिलाए के. अन्नू जी ने जब छवि को कहा कि सुर थोड़े से आउट थे, तो मैं तो चकरा गया बॉस. इस गाने में मुझे लगा कि आप मुखड़े पे तो सुर से बिल्कुल दूर थी आज. पर्सन स्पीकिंग, छवि डिजर्व्ड अ 20. मनीष ने बोला दैट यू डिडंट डिजर्व अ 20. मनीष के सोचने से मुझे नहीं लगता मुझे कोई फर्क पड़ता है. उनका ओपिनियन है उनके सर माथे पर, मेरे जजेस मेरे सर माथे पर, मेरी ऑडियंस मेरे सर माथे पर. मैंने ये नहीं बोला था कि तू 20 डिजर्व नहीं करती. हाँ, छवि का परफॉर्मेंस अगर मुझसे पूछो तो उस दिन तेरे से बेटर लगा था. जो मनीष ने बात बोली अभी के अन्नू जी ने बोला कि छवि कहीं से भी सुर से गई नहीं,
तो लगता है कि शायद मैंने अभी 300 फिल्में करने के बाद भी कुछ नहीं किया. अच्छा है मैं सीख रहा हूँ. छवि बिल्कुल सुर में थी, करेक्ट, मैं मान गया. तो मैंने गलती की, मैं माफी चाहता हूँ. मैं आपके कानों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ आपसे. नहीं सर, ऐसा नहीं है. आई थिंक अगर हम सबको एक एक ओपिनियन पूछा जा रहा है तो आई थिंक हम लोग सब खुल के ओपिनियन दे रहे हैं. आई लव योर ओपिनियन, आई एम नॉट अगेंस्ट योर ओपिनियन एट ऑल, डोंट गेट मी रॉन्ग. आई लव एंड रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट मेरे हिसाब से जो मुझे कुर्सी दी है, आई फील शी वॉज ऑफ की एंड आई फील शी नीड्स टू इम्प्रूव. इट नथिंग पर्सनल बिटवीन मी एंड छवि एंड नथिंग पर्सनल बिटवीन मी एंड यू. सर मैंने जी, आप देखना ये है कि रागिनी, जजेस जैसा सोचते हैं क्या जनता भी वैसा ही सोचती है, या फिर जनता कंटेस्टेंट्स के ओपिनियन से अग्री करती है? क्या है हमारी जनता का फैसला? रागिनी, आज आप हमारे टॉप टू परफॉर्मर्स में नहीं हो. सुमित, कंग्रेचुलेशंस, आप हमारे टॉप टू परफॉर्मर हैं. थैंक यू. रागिनी, हाँ जी, आपका फैसला हम थोड़ी देर में बताएंगे. फिलहाल प्लीज टेक योर सीट. Congratulations, Sumit. Thank you so much. पहली बार टॉप टू पोजीशन पे रहे हैं आप. How are you feeling right now? Great, ecstatic. अभी तो नहीं. So give it your best shot, Sumit. All the best. जोरदार तालियां Sumit के लिए. सब दीवाने हैं, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान. देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं, इश्क में कैसे भूल. हाय, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या करे. तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे, ये कमाल, क्या कर है. तरदुम 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 नीनी सा 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 रे रे सा 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 समझा दो, दिल का जो आंचल है जाना, इसको तुम लहरा दो. जुल्फ जो बादल है जाना, मुझ पे तुम बरसा दो. Check that. Like that. जाना लेके जाया है तेरा ये दीवाना, जाना तुझ पे मिट जाएगा तेरा ये परवाना. जाना मेरे दिल में क्या है तूने ये ना जाना, तुझको याद आएगा मेरा ये अफसाना. देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं, इश्क में कैसे हो. हाय, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या करे. तुमसे मिलके दिल का
अनु जी, ये गाना तो आप ही का है, तो आपको कैसा लगा ये? एक तो आपने मेरे गाने के साथ छेड़खानी की है, आपने कुछ अपनी सरगम डाल दी दरबारी को पकड़ के। जी 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 सर, मुझे एक ही बात कहनी सुमित जी, के ऑक्टिव लो एंड ऑक्टिव हाई, ऑक्टिव लो संभालना बहुत मुश्किल है। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, तुमसे मिलके दिल का है जो, अब ये इसमें लो उतना ही सुनाई देना चाहिए जितना कि हाई। अब आप समझ रहे मेरा मतलब क्या कह रहा है? जब आप हाई पर जाते थे तो फैंटास्टिक लगता था, मगर जो तुमसे मिलके दिल का है जो, घबराहट होती थी। ये जो आपने गाया बहुत मुश्किल गाना है, ये बहुत आड़ा गाना है और बहुत अच्छा निभाया आपने, मगर लो में आप जरा मेहनत करिए। एंड एज ऑलवेज आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच अनुज, थैंक यू। अलीशा, जैसे कि अनुज जी ने कहा, यू नो योर लो नोट्स बहुत आपके कमजोर लग रहे हैं, हाई नोट्स में आप बहुत सफाई से और मजे ले रहे थे, लेकिन लो नोट्स में हमेशा आप थोड़ी सफाई लाइए। दैट्स ऑल, आई विल वर्क ऑन दैट श्योरली। सो जजेस, सुमित के सीक्रेट स्कोर्स राज के पिटारे में बंद कर दीजिए प्लीज। मानसी, आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए। मानसी और सुमित, किसी एक की किस्मत में परफॉर्मर ऑफ द वीक का खिताब दर्ज हो चुका है, लेकिन वो सुमित है या मानसी, ये बताएंगे बस थोड़ी देर बाद। ओनली ऑन मारुति सुजुकी ऑल्टो, स्टार या रॉक स्टार। एक हमारा मनीष, ये ऊपर देख के गाता है क्योंकि इसको विश्वास ही नहीं है कि सामने वालों को कुछ पसंद आने वाला है। ये हमेशा ऐसे गाएगा, पर ये जो आप उंगली करते हैं गाते गाते, दिलदार का, ये साथ साथ में जजेस को बता देते हैं, ये सुर मैंने यहां लगाया था, ये यहां लगाया था, हो सकता है आपको समझ में ना आए तो मैं आपको पहले ही बता दूं। तोरे बिन जिया जाए, to the Sunday suspense of Maruti Suzuki Alto, star ya rock star. Ab waqt aa gaya hai ye dekhne ka ki aaj kaun baazi maar gaya hai. Judges ki nazron mein aaj rock star ke title ki taraf kaun aage badh gaya hai. So Sumit, Mansi, कांग्रेचुलेशंस मानसी, आपने बाजी मार ली है और मानसी आप बन गई हैं हमारी दमदार परफॉर्मर ऑफ द वीक, और आपको मिलता है नई दमदार मैगी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। कांग्रेचुलेशंस मानसी एंड थैंक यू सुमित, प्लीज टेक योर सीट। कपिल, आपका ऑब्जर्वेशन सबके बारे में बहुत अच्छा है, तो कुछ नई बात बताना चाहेंगे हमारे जजेस के बारे में या हमारे कंटेस्टेंट्स के बारे में जो आपने फिर से एक बार ऑब्जर्व की हो? देखो, पिछले एपिसोड में गाना भूल गया था मैं, तो मैं जजेस से तो पंगा ले नहीं सकता, वो तो हैं ही, हमारे जज हैं, हमें जज करने के लिए बैठे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, परफॉर्मर्स हैं, जैसे रागिनी गा रही थी ना पिछले एपिसोड में, लस्सी भी सी, मैगी भी सी, तो ना ये आंखें बंद कर लेती है। मेरे को लगता है शायद ये इतना अच्छा परफॉर्म करती है, ये जो वर्ड्स होते हैं इसके गाने के, वो इसके चेहरे पे नजर आते हैं, तो लस्सी भी सी लग रहा था इसका, लस्सी भी सी। तो छवि तो जो है वो वैसे ही मल्टी टैलेंटेड है, जैसे गाती ना
कथन पे ये किसने हरा रंग डाला। इसका आगे जाके फ्यूचर में बड़ा फायदा है, जब इसके बच्चे हो जाएंगे ना तो ये सिंगिंग शो करे और साथ में स्वेटर रख लिया करे, स्वेटर बुनने की। ये सुमित भाई जब गाते हैं, मैं बड़ा इनका फैन हूँ, जब ये गाते ना अब ठग लेंगे तो थोड़ी सी एक इनो नाम की चीज आती है, वो अगर आप लेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और एक हमारा मनीष, ये ऊपर देख के गाता है क्योंकि इसको विश्वास ही नहीं है कि सामने वालों को कुछ पसंद आने वाला है, ये हमेशा ऐसे गाएगा दीवाना मैं हूं दीवाना तेरा। अबे ऊपर वाले का क्या दीवाना होगा, तू वो खुद हैरान है बेचारा, परेशान है, ये सब लोग गाने कहां से आ गए। पर खैर ये हर एक अपना अपना स्टाइल है। कपिल का भी बता दो, कपिल गाता है, कपिल ने जो भी गाया था सारी सब सरगम बड़ी अच्छी गई, हम सब ने ताली बजाई कर रहा आगे लिरिक्स ही भूल गया। देखो बुजुर्गों ने कहा जहां पर रिस्पॉन्स मिले वहां पर खत्म कर देना चाहिए, मेरी कोई गलती नहीं थी, ये ज्यादा बजा गए, मैंने तो खत्म कर दिया था वहीं पे। सा से आगे कुछ होता है सर, सा से शुरू हुए सा पे खत्म हुए, बाकी हाँ हाँ बाकी बाकी मोना आपने बड़ा अच्छा सूट पहना हुआ, थैंक यू। अभी मोना के सूट की बुराई कर रहे थे कि हर रोज नए नए सूट डाला दिए, दुपट्टा घर भूल आती है। और आज तो ये भी कह रहा जल्दबाजी में एक बाजू ही पहननी भूल गई है। अच्छा कपिल अभी एक बचा हुआ है तुम्हारा, सचिन सर। दादा मैंने बचपन में आपका फिल्म देखी थी, आप कृष्ण बने हुए थे जी, तो आप मेरे लिए वैसे ही भगवान समान है, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। पर ये जो आप उंगली करते हैं गाते गाते दिल ने नकल है दिलदार का, ये साथ साथ में जजेस को बता देते हैं ये सुर मैंने यहाँ लगाया था, ये यहाँ लगाया था, हो सकता है आपको समझ में ना आए तो मैं आपको पहले ही बता दूं। बाबा सचमुच तुम किसी को भी हंसा सकते हो कपिल, लेकिन मैं तुम्हें मिलाना चाहूंगी किसी से जिन्हें हंसाना बहुत मुश्किल है। हैव अ लुक। अरे एक बार ही कद्दू हंस सकत है पर जिस दिन हंसेगी राम कसम उसी दिन से दूध में पानी मिलाना बंद। ऐसा हीरो जो हिटलर को हंसाए तो आ जाओ चैली चौक में। हिटलर दीदी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे जी टीवी पर। कमाल है यार, ये एक्चुअली में मतलब हंसती नहीं है, इसका प्रॉब्लम क्या है और ये क्यों हंसती नहीं है ये पता चलेगा कल, और उसको कल हम सबको देखना है जी टीवी पर रात 8 बजे, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है ये नया शो जिसका नाम है हिटलर दीदी, आप सब जरूर देखिएगा। और अब इस मजाक मस्ती के बाद ऐसा मोड़ आ चुका है जो सीरियस है, क्योंकि अब आज का सफर आगे बढ़ेगा एलिमिनेशन की चौखट की तरफ और खत्म होगा किसी एक स्टार के एलिमिनेशन के साथ। तो जनता के वोट्स और जजेस के स्कोर्स ने मिलकर आज एलिमिनेशन की चौखट पर खड़ा किया है सचिन को। सो सचिन जी प्लीज स्टेज पर आ जाइए। सचिन जी आप पहली बार बॉटम थ्री में आए हैं आज जी, और ये आपको बात शो के शुरुआत में ही पता चल गई थी जी, तब से लेकर अब तक आपके मन में क्या चल रहा है? गाना गाने मिलेगा। आई थिंक हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सचिन जी, थैंक यू वेरी मच कि आप में इतनी पॉजिटिविटी है और हम सब भी वो सीख रहे हैं आपसे। फिलहाल आपको एक और मौका मिल गया है गाना गाने का, सो ऑल द बेस्ट, लेट्स हियर इट फॉर सचिन जी। तुरे बिन जिया जाए ना सांवर,
तोरे बिन जिया जाए ना। चलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए जाए सानी सागा मागा पा मागा सागन धनी द पध साज तिहारी मोरा मन तड़पाए सारी रैना नींद नाए याद तिहारे मोरा मन तड़पाए सारी सो मच। मुझे पता है कि मैं इससे बेहतर गा सकता था। अनु जी, आपको क्या लगता है कि सचिन जी ने बहुत मुश्किल गाना चुना था आज अपने आप को बचाने? नहीं, मैं समझता हूँ कि पहले तो सचिन को यहाँ होना नहीं चाहता, लेकिन उनको शौक है गाना गाने का, तो अच्छी बात है। ये कमाल है कि इतना आदमी जान बचाने के लिए इतना आड़ा गाना चुनेगा, ये भी कमाल की बात है। सांवरे जो आपने बोला है, जिस तरीके से बोला है, वो एंड में तो आपने कमाल ही कर दिया, उसको खींचा आपने। मेरे हिसाब से सचिन, ये मैं समझता हूँ, जो मैंने आपको पहले ऐसे बोला था, मुझे तो लगता आपको 25 साल पहले सिंगिंग करियर सीरियसली लेना चाहिए था। और जीतना ना जीतना, स्टार या रॉक स्टार बनना, आप बनेंगे नहीं बनेंगे, कौन बनने वाले मुझे पता नहीं, लेकिन सभी के दिलों में ये बात तो है कि सचिन इज अ फैंटास्टिक सिंगर, अ फैंटास्टिक परफॉर्मर, बस इसके आगे कुछ नहीं कहना। थैंक यू सर, थैंक यू। अनीशा, जब गाना शुरू हुआ तो मैंने अनु जी को इशारा किया कि बहुत आड़ा गाना है, होप ही सिंग्स इट वेल, एंड यू हैव आउटडन योरसेल्फ कंप्लीटली, यू चैलेंज्ड योरसेल्फ, और आपने तो कमाल ही कर दिया। फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच, फैंटास्टिक। जनता के वोट्स और जजेस के स्कोर्स ने आपको एलिमिनेशन की चौखट पर खड़ा किया, लेकिन आज आपका रॉकस्टार बनने का अरमान अधूरा रहेगा या नहीं, ये तय होगा सिर्फ और सिर्फ जजेस के स्कोर से, और ये स्कोर्स खुलेंगे तीनों परफॉर्मेंसेस के बाद जी। सो इस वक्त जजेस प्लीज अपने सीक्रेट स्कोर्स रास के पिटारे में बंद कर दीजिए।
थैंक यू वेरी मच सचिन जी, प्लीज टेक थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सचिन जी. एलिमिनेशन की चौखट से खुद को बचाने के लिए सचिन जी ने परफॉर्म कर लिया है, लेकिन अभी भी एलिमिनेशन की चौखट पर दो जगह खाली है. रागिनी, आपका फैसला अभी बाकी है जी, सो प्लीज कम अप ऑन स्टेज. और साथ ही साथ मनीष, आप भी स्टेज पर आ जाइए. Can I say something? With due respect to everybody, मेरे कुछ fellow contestants को अगर लगा कि मैं deserving नहीं हूँ 20 की, मनीष, मानसी, सुमित, it's their opinion, I respect it. और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इतनी मेहनत करूँगी कि आप खुद अपने मुँह से कहें कि yes, Ragini deserves more than 20. That's the spirit, Ragini. Well done. Sumit, किसे यहाँ रहना चाहिए? Who deserves to stay here more in the competition? मनीष को रहना चाहिए. मनीष को शो में रहना चाहिए. दोस्ती बोल रही है. मैंने 10-20-30 किया. दोस्ती बोल रही है. Thank you, Sumit. मनीष, सुमित के हिसाब से आपको शो में रहना चाहिए, और जनता के हिसाब से अगर आपको शो में रहना है तो आज आपको एक बार फिर से प्रूव करना होगा. ऑलराइट, आपको एक बार फिर से परफॉर्म करना होगा. ओके, रागिनी, यू आर सेफ, कंग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. मनीष, अगर आज खुद को एलिमिनेशन से बचाना है तो कम से कम सचिन जी से तो अच्छा परफॉर्म करना ही होगा, इतना कॉन्फिडेंस है? देखिए, क्या होता है कि जब सचिन तेंदुलकर भी बैटिंग करने निकलता है तो उसको पता नहीं होता कि वो आज सेंचुरी मार के आएगा कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस से जाता है, ऊपर वाले को ध्यान करता है. तो मैंने भी वही किया, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं कोशिश करूँगा, मैं बढ़िया गाऊँ. आगे तो हमारे जजेस बताएंगे कि मैंने उनसे बेहतर गाया कि नहीं. ऑल द बेस्ट मनीष. ओके. दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे. जरा देखो कौन आ गया है जमाने पे जो जा गया है. कमी किसकी खातिर है बाहें, जमी किस पे है सब निगाहें. खेलता हूँ जुआ, ना मुझको गम है ना मुझको परवाह, कौन मेरा दुश्मन हुआ. दुश्मन जो मेरा हो रहता नहीं दुनिया में, बहुत ही खतरनाक हूँ मैं. I'm
खतरनाक हूँ मैं, हर एक पल में चालाक हूँ मैं। मुझको पहचान लो, मैं हूँ डॉन। मिस्टर डॉन, बहुत बढ़िया गाया आपने। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे जजेस से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। अलीशा, मनीष, आपने सचिन जी से बेहतर नहीं गाया, लेकिन आपने टक्कर जरूर लगाई है। That was a killer performance. आपने यानी के एटीट्यूड, आपका रवैया कुछ बदल गया आजकल। Fantastic. Thank you very much. Thanks. एक जगह पर तो बहुत ही खतरनाक हूँ मैं, मुझे देख रहे थे आप, और बहुत ही चालाक, तो उतना मैं बता दूँ कि मैं आपका डबल हूँ खतरनाक, और मैं डबल चालाक हूँ बस। बट बाकी आपकी गायकी पर बताना चाहता हूँ कि मनीष, यू हैव टेकन अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग, और मैं समझता हूँ कि कुछ जगह तो तुमने कमाल कर दी, बिकॉज ये लाइव ऐसे गाने गाना बहुत आसान रहता सुनना, खुद दो चार दो तीन नोट इधर उधर लगे थे, बट वो इसलिए मैं आई वॉन्ट टू ओवरलुक इट बिकॉज अंतरा अच्छा पकड़ा आपने, एंड उसके बाद आप लेके गए, और डॉन जब ऑक्टिव हाई जाते हो ना, थोड़ा नोट संभालो कर, होल्डिंग नोट। But all in all today, I think trying to protect yourself in the show, तुमने बहुत मेहनत की है। सचिन कमाल कमाल थे सचिन, but आप आ गए हैं, काफी काफी करीब आ रहे हैं। If you keep on working hard, there is a big possibility I can see in the top five. So keep working hard, fantastic. सचिन जी, आपको मनीष की परफॉर्मेंस कैसी लगी? मनीष, तुम्हारा परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि अभी अभी तुमसे कहा गया है, वो दो तीन नोट्स पे डेफिनेटली तुमको वर्क करना जरूरी है, हाँ, और ये मेहनत वाला काम है, और वो मेहनत वाला काम तुम्हें करना है। बिल्कुल सर, प्रॉमिस है। फिलहाल जजेस स्कोर्स तो जरूर देंगे, तो अपने सीक्रेट स्कोर्स राज के पिटारे में बंद कर दीजिए। आपके और सचिन के स्कोर्स बंद हो गए हैं, लेकिन ये स्कोर्स खुलेंगे तब जब तीसरे बॉटम थ्री का परफॉर्मेंस हो जाएगा। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। कंपटीशन यहाँ टफ होता जा रहा है, और वहां डांस के सबसे बड़े टैलेंट शो में कम्पीट करने के लिए हजारों लोग अपने डांसिंग शूज पहनकर तैयार है, क्योंकि हमारा फेवरेट शो डांस इंडिया डांस अपने थर्ड सीजन के साथ वापस आ रहा है। 11 नवंबर को है बैंगलोर और कोलापुर ऑडिशंस, तो आप भी पहुंच जाइए ऑडिशंस में अगर आप हैं बॉर्न टू डांस। और अब एलिमिनेशन की चौखट पर जो तीसरा स्टार खड़ा होगा वो है कपिल या छवि, जिसके बाद संडे सस्पेंस का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलेगा। रॉकस्टार बनने का अरमान अधूरा रह जाएगा किसी एक का, वो कौन होगा पता चलेगा बस कुछ ही देर बाद। ओनली ऑन मारुति सुजुकी ऑल्टो, स्टार या रॉकस्टार। ये तीन एनवेलोप्स में इसी में बंद है आज का फैसला। वेलकम बैक टू द संडे सस्पेंस ऑफ मारुति सुजुकी ऑल्टो, स्टार या रॉकस्टार। अब तक इस कंपटीशन में
आपके सामने जब जब कोई चुनौती आई आपने बड़ी हिम्मत के साथ उसका सामना किया, लेकिन आज की चुनौती ये है कि खुद को इस मंच पर बचाए रखने के लिए सचिन और मनीष से बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या आप उन दोनों से बेहतर परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं या कर पाएंगे? छवि, कर पाऊंगी या नहीं तो मैं फ्यूचर नहीं देख सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। कपिल, मैं देखिए ये तो नहीं कहूंगा कि मैं मनीष से या सचिन दास से बेहतर परफॉर्म करूंगा या नहीं, लेकिन हाँ मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी अलीशा जी ने कहा कि मनीष आपने सचिन जी से बेहतर नहीं गाया लेकिन बराबर की टक्कर दी है, तो मैं भी चाहूंगा कि टक्कर दूं, उन्होंने इधर से दी मैं इधर से दूं, थोड़ा बैलेंस करूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना बेहतर दे सकूं। छवि, अब वक्त है ये जानने का कि आप दोनों में से कौन पहुंचा है बॉटम थ्री में। कपिल और छवि, आप दोनों के कल के स्कोर्स बराबर थे, जजेस के स्कोर्स और जनता के वोट्स का फैसला हमारे पास आ चुका है। कपिल, आई एम सॉरी, आज आपको परफॉर्म नहीं करना होगा, आप सेफ हैं, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू कपिल, कंग्रेचुलेशंस। एक बार फिर कैसा फील कर रही हैं आप? बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक रूटीन सी बन गई है लाइफ में। ये तीसरा हफ्ता है और मैं फिर से बॉटम थ्री में हूँ। एक बार फिर मुझे गाना होगा अपने आप को बचाने के लिए। गाने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन ऐसे ब्रिंक पे आकर गाना नहीं अच्छा लगता है, तो मैं नहीं गाना चाहती हूँ बॉटम थ्री में बिल्कुल भी, लेकिन गाऊंगी। डूबी
बहुत बढ़िया छवि, दैट वाज फैंटास्टिक. थैंक यू, थैंक यू. मनीष, आपने अपने कंपेटिटर को सुन लिया, क्या आपसे बेहतर गाया छवि ने? एक्चुअली मैं अपना गाना तो सुन नहीं पाया तो मुझे पता नहीं, बट आई थिंक छवि ने बहुत ही बढ़िया गाया. और आई थिंक ये जो बॉटम थ्री वाला हम तीनों की जो टक्कर चल रही है यहाँ पे, सचिन जी, मैं और छवि, आई थिंक आज बहुत जबरदस्त मुकाबला है यहाँ पे और कुछ नहीं कहा जा सकता. हमारे जजेस क्या सोचते हैं? अलीशा, आपने आज इतना कमाल का गाया, ऐसा लग रहा था कि यू नो द माइक्रोफोन इज फॉलन इन लव विद योर वॉइस, क्योंकि इतनी अच्छी टोनल क्वालिटी आपकी आ रही थी और इतने मस्त थे आप, डूबे हुए थे गाने में और बहुत ही खूबसूरत गाया. रियली ब्यूटिफुल रेंडिशन. थैंक यू, मैं तरस गई थी और इतनी फील के साथ गाया. आई मीन आई कांट डिस्क्राइब इट. थैंक यू सो मच. फैंटास्टिक. और यू नो आई थिंक मोर देन एनीथिंग एज अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट यू आर गोइंग टू शाइन आउट. रॉक स्टार तो आप हैं ही, बट एज अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट यू आर गोइंग टू डू ब्रिलियंटली. थैंक यू सो मच मैम. अनु जी, छवि, तुमने जान बचाने के लिए नहीं गाया आज, नहीं, तुमने ये इसलिए गाया कि तुम ये कहना चाहती थी जजेस से, जनता से, कि मैं गाना जानती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये इतना प्यारा गाना है और तुमने उतना ही प्यारा निभाया इस गाने को. मैं समझता हूँ कि आज तुमने फिर से अपना झंडा गाड़ दिया इधर. थैंक यू सो मच अनुज. छवि के लिए तालियां. कम ऑन छवि. कमाल है, हद है. अब मुझे समझ नहीं आता क्या होने वाला है. छवि, इस वक्त आप क्या महसूस कर रही हैं? आई एम ऑन सेवेंथ हेवन राइट नाउ. ऑनेस्टली मुझे नहीं पता चॉइस ऑफ सॉन्ग्स में कहाँ गलती हो रही थी, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं थी. और जजेस के ये कमेंट्स सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, मैंने सुन लिया बस. I'm very happy and very satisfied with my performance. Judges, अब ये वक्त कि आप छवि के secret scores राज के पिटारे में बंद कर दीजिए. अब सचिन, मनीष और छवि, इन तीनों की किस्मत राज के पिटारे में बंद हो चुकी है. ये फैसला हो चुका है कि इन तीनों में से कौन आज रॉकस्टार बनने के अरमानों को अधूरा छोड़कर चला जाएगा. लेकिन वो एक कौन है, ये सस्पेंस खुलना अभी बाकी है. सो सचिन एंड मनीष, प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज. आज देखेंगे कि छवि, मनीष और सचिन जी से किसके कदम कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं और किसके कदम इस मंच से बाहर जाते हैं. ओनली ऑन मारुति सुजुकी ऑल्टो, स्टार या रॉक स्टार. ये तीन एनवेलोप्स में इसी में बंद है आज का फैसला. मेरा नाम लिखा है. सचिन, आप अपने दोनों दोस्तों को अलविदा कह दीजिए. Welcome back to the Sunday suspense of Maruti Suzuki Alto, star ya rock star. Mere haath mein teen envelopes aur teenon envelopes mein band hai in teen stars ki taqdeer. Ye envelopes khulenge aur pata chal jayega ki rock star banne ki ye maha marathon kiske liye aaj khatam ho jayegi. Lekin usse pehle देखते हैं आपके फेवरेट स्टार्स की खुद को बचाने की आखिरी कोशिश. आप खुद सर्च कीजिए कि इनमें से आज कौन कौन बचेगा और कौन घर जाएगा. मोरा मन तड़पाए सारी रैना नींद ना
देखो कौन आ गया है, जमाने पे जो जा गया है। कमी किसकी खातिर है बाहें, जमी किस पे है सब निगाहें। ये तीन ऑनवलोप्स मैं आप तीनों को देने वाली हूँ और इसी में बंद है आज का फैसला। चलिए शुरुआत करते हैं। छवि, सबसे पहले आप ऑनवलोप खोल के बताइए उसमें किसका नाम है। Blank. मनीष, आप खोल के बताइए envelope. Blank. सचिन जी, आप अपना envelope खोल के बता दीजिए किसका नाम लिखा है उसमें। मेरा नाम लिखा है। सचिन, आपके एनवेलोप में आपका खुद का नाम लिखा गया है। जी। यानी सचिन, आप अपने दोनों दोस्तों को अलविदा कह दीजिए, क्योंकि आज के बाद आप शायद इन दोनों में से किसी एक को इस मंच पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप सेफ हैं। एक मिनट। थैंक यू वेरी मच के आप की भावना मेरे प्रति ऐसी है, इतनी प्यार भरी है, लेकिन मेरे लिए ये खुशी का मौका नहीं है, क्योंकि मुझे इन दोनों में से किसी एक को विदा करना है आज, और इन दोनों से मैं बहुत प्यार करता हूं। कंग्रेचुलेशन सचिन जी, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सो मच। मेरे हाथ में है आखिरी एनवेलोप और फैसला मेरे हाथ में बंद है। इस एनवेलोप में छवि का नाम लिखा गया है। इसका मतलब छवि, congratulations, you are safe. Manish, मुझे इस वक्त खुद समझ में नहीं आ रहा है कि तुमसे क्या कहूं, because नहीं, I'm sure we all will miss you a lot. नहीं नहीं, it's okay. I think quite fair. बिकॉज अगर मुझसे भी अंदर कहीं पूछते, ऑब्वियसली मैं ऊपर से तो कहूंगा नहीं मुझे निकाल दो, पर अगर मुझसे पूछा जाए, आई थिंक यस, सचिन जी और छवि दोनों ने मुझसे बेहतर गाया था। मैं अंदर की बात मुझे भी पता है, जब छवि ने गाना शुरू किया मैंने कहा चलो चिंटू बेटा गाड़ी निकालो, बैग वैग रखना शुरू करो। मैंने आज तक यहाँ पे सिर्फ एज एन एंकर बड़े कंटेस्टेंट्स को धक्के मारे हैं, आज धक्के नहीं मारे, प्यार से बोला इसने मुझे जाने को, बट थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड, थैंक यू सो मच। Yeah.
जाके